Hello kids in today's class we are going to learn first in english unit 7 lesson number 5 this is the monkey and the log so let's see what is the story so this story about monkey and log log means lucky. लकड़ी का एक ये टुकड़ा है अभी हम देखेंगे वो क्या है लॉक ओके सो वंस अपॉन अ टाइम सर्टेन वर्कमैन वर्कमैन मीन्स वॉट लाइक अ मैन हु वर्क्स विद हिज हैंड्स स्पेशली एट बिल्डिंग और मेकिंग थिंग्स जैसे कि यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं वर्क मैन वेर बिजी बिल्डिंग अ टेम्पल एट टेम्पल बना रहे हैं मंदिर बना रहे हैं यहाँ पे सो यहाँ पे दो पर्सन आपको दिख रहे हैं दे आर बिजी ओके दे वर बिजी बिल्डिंग अ टेम्पल सो वेन इट वॉज नोन दिस दिस टाइम वॉज आफ्टरनून ओके लाइक like, दोपहर का टाइम था ये दोनों काम कर रहे थे यहाँ पे सो so, राम राव लेट्स गो टू द टाउन फॉर लंच बिकॉज दिस इज़ आफ्टरनून सो दिस टाइम वॉज आफ्टरनून सो दे फील हंग्री तो यहाँ पे लोग भूखे हो गए हैं लंच का टाइम हो गया है सो दिस इज शाम राव एंड दिस इज़ राम राव सो so, शाम राव टू राम राव राम राव लेट्स गो टू द टाउन फॉर लंच चलो हम टाउन में घर पे चल के खाना खा के आते हैं सो so, राम राव ओके ओके श्याम राव आई विल जस्ट पुट अ वेज हियर एंड कम सो मैं क्या करूँगा जस्ट ये वेज इस लकड़ी में डालूंगा और उसके बाद फिर मैं चलता हूँ वेज सी दिस इज़ वेज वेज मीन्स वॉट लाइक इट्स ट्रेंगुलर शेप ट्रेंगुलर पीस लाइक ये कैसा है नीचे से इस तरीके से है ठीक है और इसमें क्या किया इसने क्या बोला कि मैं जस्ट ये जो लॉग है जो लकड़ी काटा हुआ है उसमें मैं इसको डाल के आता हूँ ताकि ये सेपरेट रहे मीन्स वेज मीन्स लाइक अ पीस ऑफ वुड विथ वन थिक वन थिक ऊपर से क्या रहेगा थिक एंड वन दे आर पॉइंटेड नीचे से कैसे रहेगा ना मतलब पॉइंटेड एंड दैट यू कैन पुश इन टू अ स्मॉल स्पेस छोटा सा भी स्पेस है उसमें डाल दिया फॉर एग्जाम्पल टू कीप थिंग्स अपार्ट सेपरेट दो चीज़ों को अलग रखने के लिए ये लकड़ी का आधा काटा था आधा नहीं काटा था तो उसने क्या किया इसमें ये डाल दिया तो ये दोनों सेपरेट है उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी वापसी इसे अलग करने के लिए ओके okay? सो so, नाव उसने इसमें डाल दिया इस लकड़ी को वेज को लॉग में डाल दिया लॉग में से लकड़ी जो है काटा उसको बोलते हैं लॉग और ये क्या है वेज लेट्स होप नो वन टच दैट वेज वाइल वी आर अवे तो सोचता है लेट्स होप uh, कोई भी टच नहीं करेगा इस वेज को जब तक हम फार अवे मतलब जब तक हम दूर आए रहेंगे तब तक कोई टच नहीं करेगा ऐसा होप करते हैं सडनली अ मंकी अराइव्ड सडनली अमन कियर आउट व्हाट इज दिस पीस ऑफ वुड डूइंग हीयर तो वो सोचने लगता है कि अरे इस लॉग में ये पीस ऑफ वुड ये लकड़ी क्यों घुसा हुआ है इसको क्यों डाल दिया इधर ओके नाउ ही थिंकिंग अबाउट आई वंडर वॉट विल हैपन इफ आई पुल इट आउट वंडर मीन्स वॉट वंडर मीन्स लाइक क्यूरियस मीन्स यू वॉन्ट टू ट्राई आउट सम मैनी न्यू थिंग्स मतलब कि आप यहाँ पे कुछ नया नया ट्राई आउट करना चाहते हो कि इससे क्या होगा इससे क्या होगा अगर ये चीज़ अगर आपको कोई मना करता है कि ये काम मत करो फिर भी आप वही करते हो तो फिर आपको लगता है कि अरे इससे क्या होगा अगर मैं ऐसा करूँ किसी ने मना किया है बट करके देखता हूँ क्या होता है दैट इज़ वंडर ओके मतलब क्यूरियस है सो so, यहाँ पे वो ट्राई करता है उफ़ इट्स टफ मतलब यहाँ पे उसने ट्राई किया बहुत और निकला नहीं क्योंकि ये बहुत यहाँ पे ये यह दोनों कैसे हैं मोटे हैं इधर इतना मोटा है इसमें ये से निकल नहीं रहा है उससे सो so, यहाँ पे ही इज़ टायर्ड एंड ही प्रोड्यूस साउंड लाइक उफ़ इट्स टफ़ टफ़ मीन्स लाइक डिफ़िकल्ट ओके सो इट्स नॉट ईजी टू रिमूव फ्रॉम द लॉग आउट इट केम ओके यहाँ पे वो क्या हुआ इसका कहने का मतलब ये है इट्स नॉट ईजी टू रिमूव फ्रॉम द लॉग इट्स विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम द लॉक लेकिन यहाँ पर क्या होता है जब उस पूरा जोर लगाता है सो आउट इट के लिए क्या होता है बाहर आ जाता है इसे बाहर जाता है बट ये इसमें स्टॉक हो जाता है अटक जाता है इसमें हेल्प 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 यहाँ पर वो चिल्लाने लगेगा द गैप क्लोज इन ट्रैपिंग द मंकीस टेल यहाँ पे ये यह गैप निकला तो ये जब निकला तो इसमें मंकीस पर बैठा हुआ था तो इसकी जो टेल थी इसमें फंस गई ना मंकीस क्राई आउट लाइक हेल्प हेल्प ओके द पुअर मंकी क्राइड इन पेन तो इसको बहुत पेन हो रहा है क्योंकि इस इसमें दोनों में ये फंस गया है इसका सो तो बहुत ही पेन हो रहा है मतलब उसे बहुत दर्द हो रहा है क्राइड वो चिल्ला रहा है रो रहा है सो वी शुड नॉट मेडल मेडल मीन्स लाइक इंटरफेयर ओके यहाँ पे क्या किस हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए विथ थिंग्स दैट आर नॉट कंसर्न टू अस जो हमें हमारे काम करनी है उससे हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए ट्रैपिंग मीन्स वर्ड लाइक ट्रैप मीन्स इट्स अ डेंजरस अनप्लीजेंट यहाँ पर वो फंस गया क्लोज टू क्लोज इन ट्रैपिंग मतलब मुसीबत में आ गया और यहाँ का यहाँ पे जो उसका ये आ, टेल है यहाँ पे वो फंस गया ट्रैप मतलब उसमें फंस गया और यहाँ पे वो अभी मुसीबत में है ना ओके सो so, मेडल का मतलब इंटरफेयर यहाँ पे हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी चीज़ से छेड़छाड़ नहीं की मतलब कि अगर कोई आपको मना कर रहा है आपके पेरेंट्स आपकी फैमिली की ये काम मत करो सो so, आपको क्या करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए वो काम नहीं करना चाहिए सो यू शुड अवॉइड दैट थिंग ओके सो देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है लर्न एंड राइट द वर्ड नीटली आपको ये लिखना है और लर्न भी करना है वर्क मैन टेम्पल टच सडनली वंडर बिल्डिंग वेज के लंच अराइव्ड मेडल ट्रैपिंग कंसर्न ना यर गिवन क्वेश्चन वंस अप ऑन अ टाइम यहाँ पर आपको करके दिया हुआ है तो क्या करेंगे देयर वेर टू फ्रेंड तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे वंस अप ऑन अ टाइम देअर वॉज यिवन वॉज नॉट वेयर अगर वेयर लिखा हुआ है तो हम टू या टू से ज़्यादा लोगों को लिख सकते लेकिन वॉज लिखा है तो सिर्फ एक ही पर्सन को लिख सकते हैं सो वंस अपन अ टाइम देअर वॉज एन ओल्ड मैन आप लिख सकते हैं एन ओल्ड मैन ओल्ड मैन या फिर क्या लिख सकते हैं टॉल मैन टॉल मैन कोई बड़ा सा आदमी या फिर देर वॉज अ किंग किंग लिख सकते हैं देर वॉज अ किंग और यहाँ पे आप क्वीन भी लिख सकते हैं देर वॉज अ देर वॉज अ क्वीन ओके यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप नाउ नेक्स्ट लाइन में कह सकते हैं वंस अपन टाइम देयर आर वेर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वेर मतलब कि आप दो से ज्यादा लोगों को बारे में लिख सकते हैं सो देयर वेर टू एनिमल्स लिख सकते हैं टू एनिमल्स या बर्ड्स फोर uh, एनिमल्स भी लिख सकते हैं क्योंकि वेयर है तो आप दो से ज़्यादा लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ओके आई वंडर आई वंडर मतलब कि आप क्या लिख सकते हो आई वंडर का मतलब क्या यहाँ पे वंडर का मतलब जैसे कि यहाँ पे वो वंडर मतलब कि बहुत ही क्यूरियस हुआ था लाइक आई वंडर वॉट विल हैपन इफ आई पुल इट आउट आप इसे ये, ये लाइन भी लिख सकते हो वंडर के बाद ये भी लिख सकते हो ओके okay? और या फिर आप ये भी लिख सकते हो आई वंडर वाई दिस वेज इज वाई दिस दिस वाई दिस लॉन्ग इज सो लार्ज सो हैवी इस तरीके से भी लिख सकते हो आप और या फिर वही लाइन लिख सकते हो ओके okay? या फिर ये भी लिख सकते हो आई वंडर वाई मंकीज़ आर सो नोटी मंकीज आई वाई मंकी फॉर सो नोटी नोटिक स्पेलिंग नोटी एंड ए यू जी एच टी वाई नोटी ओके मंकी वॉस दो नोटी आई होप यू आ गुड ओके आई होप मतलब जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा आई होप यहाँ पर उसने क्या यूज़ किया था होप का यूज़ किया था यहाँ पे लेट्स होप नो वन टचेज डेट वेज मतलब कि यहाँ पर कुछ उम्मीद लगा रहे कुछ आशा हाँ ऐसा में लगता है होप ऐसा में लगता है कि आप अच्छे होंगे ओके आई होप यू आ गुड आई होप यू विल बी पास इन ओ एग्ज़ाम मुझे ऐसा लगता है कि आप एग्जाम में पास हो जाओगे ठीक है तो यहाँ पे लिख सकते हो आई होप यू विल बी पास इन योर एग्ज़ाम ऐसा भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो आई होप यू आर फाइन या फिर लिख सकते हो आई होप यू आर डूइंग वेल ओके सो ये सब लिख सकते हो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे दस सन ओके कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना आप